कहदे हाजिर की बहुत ही मशहूर व मारूफ शायरा मोहतरमा आना दहलवी साहिबा हमारे फहरिस्त में है और हमारे हमारी डाइस पर यहाँ तशरीफ रखती हैं। उन्होंने खुद मुझे इशारा करके कहा कि वो नाते पाक के कुछ शेर सुनाना चाहती हैं। ये हमारे लिए जाहिर है कि इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती है कि जहां शोरा इकराम अपनी अकीदतों के फूल निछावर कर रहे हैं, वहीं शायरात का भी जी चाहता है कि वो भी अपनी मोहब्बतों के फूल आका के दरबार में पेश करें और आप सबसे दुआएं हासिल करें। तो मैं चाहता हूं कि मोहतरमा आना दहलवी से गुजारिश करूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नातिया कलाम से नातिया दौर में इस सफर को आगे बढ़ाएं। मोहतरमा आना दहलवी। सबसे पहले तो आप सभी को सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आस्ताने पर खड़े होकर नाते पाक सुनाने का जो मुझे मैंने खुद कहा कि मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ पर अगर मैं नात पढ़ूंगी तो अल्लाह उसे कबूल फरमाएगा और बुजुर्ग के जरिए से मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी। सदरे मातरम से इजाजत चाहती हूँ। खामोश हो जाएं। मुशायरा जब हो जाए जितना चिल्ला लीजिएगा, मगर नाते पाक अगर हो रही हो तो आप लोग खामोशी अख्तियार कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब बिना बैठे काम चलेगा नहीं। हाँ। और देखिए अब तो लेडीज को एतराज करने का हक भी है कि अना दहलवी माइक पर हैं तो जाहिर है उन्हीं के खानदान की बात होनी है, तो फिर उन्हें एक शेर के मुझे नात गोई का फन ए अना कहाँ था हासिल, मुझे नात गोई का फन ए अना कहाँ था हासिल, ये इनायत तो नवाजिश मेरे मुस्तफा ने की। वाह। मेरे ख्याल में अगर आपको लग जाए कि कोई इसमें शेर आप तक पहुंच जाए और आपके कहीं हद तक आपको महसूस करा दूंगे तो आप लोगों की सुभान अल्लाह जरा जोरदार आना चाहिए, महसूस करा देना मुझे। मतलब पढ़ती हूँ, सुनिएगा, समाज करें। अन्ना मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जैदपुर है, यहाँ लोग बड़ी जिंदादिली के साथ मुशायरे में शरीक होते हैं और आप जो है इन पर भरपूर भरोसा कर सकती हैं। इनकी तरफ से गारंटर मैं हूँ। जहाँ भी आप जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे इनकी तरफ से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होंगी और अगर कभी आपको लगे कि किसी मिसरे पर होना चाहिए थी और नहीं हुई तो भी आप ये समझिएगा कि ये इनकी खामोश दाद है जो आपको दुआओं की सूरत में मिल रही है। इसलिए आप इन पर शक बिल्कुल ना करें, ये सब बहुत अच्छा सुनते हैं और बहुत अच्छा सुन के दिखाएंगे। एक बार बात सही है ना? चलिए एक बार पूरा मजमा मिलकर कह दे सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा के दामन में क्या कहना, वाह। आकबत सवर जाए मुस्तफा के दामन में, आकबत सवर जाए मुस्तफा जाके जो भी मर जाए मुस्तफा के दामन। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी गारंटी पे भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि मैं तो 20-22 साल के बाद आई हूँ और आप इन लोगों ने मोहब्बतें आप
आप मेरी गारंटी पर इतना भरोसा कर सकती हैं जितना इस वक्त लोगों को 500 के नोट पर भी भरोसा नहीं है कि वो कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, इससे ज्यादा भरोसा आप मेरी बात पर कर सकती हैं। बिल्कुल करूंगी, बहुत शुक्रिया आपका। शेर समाप्त करें। आरज़ू हमारी है, जुस्तजू हमारी है, आरज़ू हमारी है, जुस्तजू हमारी है, क्या कहना, जुस्तजू हमारी है, आरज़ू हमारी है, जुस्तजू हमारी है, जिंदगी गुजर जाए मुस्तफा के दामन। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। जिंदगी गुजर जाए मुस्तफा के दामन में, और ये शेर भी समाप्त कर ले। बस उन्हीं के कदमों में अपनी मंजिले दिल है, वाह वाह, बस उन्हीं के कदमों में अपनी मंजिले दिल है, क्या कहना, बस उन्हीं के कदमों में अपनी मंजिले दिल है, इश्क उम्र भर जाए मुस्तफा के दामन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क उम्र भर जाए मुस्तफा के दामन में, और ये शेर खास तौर पे समाप्त कर ले। इरशाद, ये एक वाकया भी है और आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, खासतौर पे शेर डाइस से दुआएं चाहती हूँ। सभी बड़े लोग अबरार भाई, अजम साहब, सलीम भाई सुनिएगा जी। इरशाद, कोई भी सहाबी हो जिससे भी नबी मांगे, कोई भी सहाबी हो जिससे भी अपनी पंजी अपनी पूंजी धर जाए मुस्तफा के दामन में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपनी पूंजी धर जाए, क्या कहना, मुस्तफा के दामन में। वाह 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 वाह, और शेर बता रहे खास, आप जैदपुर में आस्थाने पे पढ़ रही हूँ, आप लोग जरा इधर तवज्जो दें, बड़ा बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ी सी देर की बात है। अजमत नबी ये है अपने सर को खम करके, समाप्त करें। अजमत नबी ये है, अजमत नबी ये अपने सर को खम करके, अजमत नबी ये है अपने सर को खम करके, आसमां उतर जाए मुस्तफा के दामन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आसमां उतर जाए, क्या कहना क्या कहना, मुस्तफा के दामन में। आहा, और आप सबसे जैदपुर वालों एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी कई बार वहाँ पर हाजिरी हुई है, और मेरी दुआ है कि यहाँ जो लोग भी नाते सुन रहे हैं नाते पाक,
उनकी भी वहाँ हाजिरी हो, जो नहीं भी सुन रहे हैं उनकी भी वहाँ हाजिरी हो जी। ये शेर आप तक, आपकी समातों तक मेरा मक्ता, फिर आपसे इजाजत चाहती हूँ, सुनिएगा। इरशाद इरशाद। ऐ ना मोहम्मद की दर से जिसको निस्बत है, क्या कहना क्या कहना, वाह वाह वाह। ऐ ना मोहम्मद की दर से जिसको निस्बत है, वाह। ऐ ना मोहम्मद की दर से जिसको निस्बत है, बस वही बशर जाए मुस्तफा के दाम में, वाह 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 वाह, बस वही बशर जाए क्या कहना, मुस्तफा के दामन में जाके जो भी मर जाए, मुस्तफा के दामन में आकबत सवर जाए।